चीज अनुभव किया है अपनी जिंदगी से कि लोग कहते हैं कि आजकल के जमाने में एक बच्चा पैदा करो। आ गए शौर्य सिंह, तेजस सिंह, और स्कूल से आ गए हैं। अब इनकी 3-4 घंटे बाद यूनिफॉर्म उतरेगी। ये देखिए, अब ये धीरे धीरे फेंकना शुरू करेंगे। घर का हाल बुरा करने के लिए ही दोनों आ गए हैं। ये देखिए, ये सृष्टि सिंह के पति हैं। सृष्टि सिंह के पति आयुष प्रताप सिंह। आयुष प्रताप सिंह हैं। और अभी तक मैं आपको बता दूं कि इस समय 3:30 बज रहा है और ये इंसान ने अभी तक नहाया नहीं है। कुछ बना रही हैं किचन के अंदर, देखते हैं क्या बना रही हैं। क्या बना रही हो? पकौड़ी और बढ़िया। ये पकौड़ी, अच्छा किसके लिए? पड़ोसी के लिए। कितनी अच्छी पकौड़ियाँ बनाई इन्होंने। पकौड़ी बनाई है, सॉस, और ये अभी और बना रही हैं। ये मीठी है। अच्छा मीठी वाली है। मीठी वाली भी पकौड़ी है, इसको क्या हम लोग बोलते हैं? बरी है ना? बरिया। बरिया, बरिया बोलते हैं। ये मीठी वाली है और ये जो है ये प्याज वाली पकौड़ी है। बना करके फटाफट ले आओ फिर। बहुत सुंदर सुंदर राखियां लेके आई हूँ और आप देख सकते हैं इस तरीके से, मतलब बहुत अच्छी अच्छी है इसमें राखियां, और तरह तरह की राखियां हैं। पर आपको क्या बताऊं मैं, राखियां तो बेच रही हूँ। रक्षाबंधन बहुत बड़ा त्योहार है, पर इत्तेफाक ऐसा है कि रक्षाबंधन का त्योहार हमारे घर के लिए फीका है। फ्रेंड्स, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कैसे फीका है, पता नहीं क्यों आज बताने का ही मन कह रहा है कि देखिए, इत्तेफाक ऐसा कि मेरे हस्बैंड की कोई बहन नहीं, तो मेरे हस्बैंड की कोई बहन नहीं, तो इधर का एक, मतलब एक रिश्ता खत्म। और मेरे बच्चों की कोई बहन नहीं, मतलब मेरे 2 बेटे हैं, तो उनके लिए भी राखी का त्योहार का कोई मतलब नहीं है। और मेरा कोई भाई नहीं, लोग कहते हैं ना कि मैंने एक चीज अनुभव किया है अपनी जिंदगी से कि लोग कहते हैं कि आजकल के जमाने में एक बच्चा पैदा करो, मगर मैंने, मेरी मम्मी पापा ने, कि मैं अकेली संतान थी, मेरी मम्मी पापा के 20 साल बाद हम पैदा हुए हैं। बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत लोग कहते थे मेरी मम्मी को कि इनकी कोई संतान नहीं होगी, तब मैं पैदा हुई हूँ। अकेले होने की बहुत ज़्यादा मजे नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि अकेले होने के बहुत ज़्यादा मजे हैं, तो बहुत ज़्यादा मजे नहीं है। कितना अकेला होता है इंसान ना, माँ बाप के जाने के बाद मायका खत्म हो जाता है, आपके पास कोई रिश्ता ही नहीं होता है, ना आपका भाई का रिश्ता है, ना आपका बहन का रिश्ता है, ना आपका मायके का रिश्ता है। पर फ्रेंड्स, हम बोल्ड हैं और हम टूटते नहीं हैं, हम हमेशा मुस्कुराने वाली लड़की हैं। और हमने कान्हा जी को अपना भाई मान लिया, और जब से मेरी शादी नहीं हुई थी उसके पहले से ही मैं हमेशा कृष्ण कन्हैया को राखी बांधती हूँ। और संजोग की बात इतना अच्छा रहा कि मैं जिस मोहल्ले में रहती हूँ वहाँ के लोग हमको इतना प्यार करते हैं कि मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चों को उन लोग राखी बांध के चले जाते हैं। तो इस तरीके से मिला जुला सब कॉम्बिनेशन पूरा हो जाता है और रक्षाबंधन हम लोग मना लेते हैं। और पता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब से मैं 7-8 महीने से यूट्यूब पे आई हूँ, तब से मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स कि बहुत ऐसे लड़के हैं जो मुझे दीदी कहते हैं, मतलब ज़्यादातर ही लड़के मुझे दीदी कहते हैं, बहुत कम ही ऐसे हैं जो भाभी वर्ड का यूज़ करते हैं मेरे साथ। और जब वो मुझे दीदी कहते हैं तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि लगता सच में वो मेरे भाई हैं, और 100% है भी ये कहा जा सकता है। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे लोग इतना पसंद करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा लकी अपने आप को मानती हूँ। जब से, मतलब मैं खास तौर से जब से मैं वीडियो बनाने लगी हूँ, तब से सच में मैं बताऊँ, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। मुझे इतनी बड़ी फैमिली मिली, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे फेसबुक पे हो, मतलब इधर देखा जाए जहाँ जहाँ मेरी वीडियो जाती है वहाँ वहाँ लोग मुझे प्यार देते हैं, लोग शेयर करते हैं। जब शेयर देखती हूँ, शेयर से शेयर हुआ रहता है, और वहाँ लोग भर भर के अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ। इस वजह से सारी चीज़ों को मैं इग्नोर करके बस खाली मैं अपने काम पे जुटी रहती हूँ,
और सच में फ्रेंड्स, आप ये टू YouTube फैमिली को तो खास तौर से मैं कहूँगी, यार भाई आप लोग बहुत मुझे प्यार देते हो, इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखा करो। और ये तुम्हारी दीदी हमेशा अच्छे अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करेंगी। और थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच।